वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। फटाफट वीडियोस बना रहे हैं, अंधेरा होने वाला है। सबन भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये साइड आ जाइए आप। जी भाई। हाँ इसमें थोड़ा संभालना पड़ेगा, ये प्रॉप्स भी बेकार बकरे हैं। बकरे दोनों भी एग्रेसिव है। सबन भाई सबसे पहले डिटेल्स बता दीजिए बकरों की, क्या क्या डिटेल्स। मैं शुरुआत शमशेर से करता हूँ। शमशेर बकरे का नाम है ये भाई। बकरा शॉर्ट हाइट में कोटा है, शॉर्टेस्ट कोटा ऑफ एसएसके गोट, शॉर्टेस्ट कोटा ऐसा बोल सकते हैं। ये 36 की हाइट है, अपन ने माप भी लिए। हाँ सुबह में मापे थे। इसकी हाइट इसका 75.5। ओके, और कितने दांत पे अभी है? ये आठवा लगा चुका है। ठीक है, बट बहुत जगह है भाई बकरे में। पूरा बोलते हैं ना बकरे में बहुत जगह है लटकन। लेकिन कोई कुर्बानी के लिए लेगा ना, मेरा सजेशन ये रहेगा इसको कुर्बानी के लिए लो। और आप जब घर पे लेके जाओगे ना, जो एग्रेसिव पागल मेंटल बकरे के शौकीन होते हैं ना, जरा से छेड़ो ना इसको। सोबन भाई थोड़ा सा छेड़ो ना इसको। मैं पीछे से जाके छेड़ो इसको थोड़ा सा। इसको छेड़ेंगे ना तो रुकता नहीं है बकरा। बहुत गर्म बकरा है। ये देखो अभी इसकी स्विफ्टनेस थोड़ी थक गया मेरे को लग रहा है। हाँ सुबह से भगा। नहीं नहीं अभी आ गई वापस। हाँ उसके बाद में ये बकरा है। ये बकरे के बारे में डिटेल्स बता दीजिए, फिर बकरे के बारे में बात करते हैं। ये है ना कोटा मालवा क्रॉस है जी। ये बकरा माशाल्लाह, ये तो आप देख रहे हो कसा हुआ बकरा है। कसा हुआ बकरा है माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह इसका, और इसका फेस और अलग ही लुक है। गर्दन भी काफी मोटी है बकरे की। बहुत मोटी गर्दन का बकरा माशाल्लाह। ये 37+ हाइट है इसकी। 37+ हाइट है, मैंने सुबह मेजर किए थे। और इसका वेट 86 के बीच में इसका वेट है। ठीक है, और कितने दांत पे ये? ये भी आठ दांत लगा चुके। बट फ्रेश आठ दांत है, ऐसे नहीं कि भाई ये 6-6 महीने से बकरे आठ दांत लगा के बैठे हुए। माशाल्लाह ये वो है। बट आई वुड सजेस्ट कुर्बानी के लिए बेस्ट चीज है। खूबसूरत भी है और माशाल्लाह ले जाओगे तो एक अट्रैक्शन भी रहेगा आपके वहाँ पे। इसका अग्रेशन भाई अपन ने देखे स्लो मोशन में, राइट? बहुत डेंजर। और ये खूंटा भी इसी ने उखाड़ा है। ये वाला खूंटा मैं बता देता हूँ, ये वाला खूंटा सुबह में इसी ने उखाड़ा है मार मार के। देख सकते हैं कितना मोटा खूंटा है ये। तोड़ दिया, गीली मिट्टी होने की वजह से भी एक हुआ है, लेकिन उसने तोड़ दिया। वैसे सोवन भाई कब लिए थे दोनों बकरे? ये बकरे भाई अपन ने डेढ़ साल पहले लिए हुए। डेढ़ साल पहले? जी जी, डेढ़ साल। और अपने फार्म पे नवंबर में ही आए, जब से मेरा फार्म ओपन हुआ है। फर्स्ट डे ये लोग की एंट्री हुई थी। अच्छा, फर्स्ट डे ये लोग दोनों की एंट्री हुई थी। ओके, तो क्या डिटेल्स पे जब अपने पास डेढ़ साल पहले आए थे तो क्या डिटेल्स पे थे भाई? मत पूछिए वो डिटेल्स। जब बकरे आए थे तो मतलब टूटे हुए थे, हालत खराब थी, किसी के पैर में तकलीफ थी। अच्छा, खाना नहीं खा रहे थे, वो तो चलो एक नॉर्मल बात है। बट बकरे मतलब जो अभी कंडीशन में है ना, आपको बिफोर एंड आफ्टर की पिक्स बता सकता हूँ मैं बकरे की। माशाल्लाह ऐसे नहीं बोलूंगा बकरे मैंने ही बनाया हूँ इधर, बट भाई मेहनत बहुत हुई है इनके। मेहनत बहुत हुई ये देखो। इतने गर्म बकरे को ना भाई खिलाना पिलाना और कंट्रोल करना भी एक अलग हिसाब है। ये देखो, ये भी माशाल्लाह पूरा कसा हुआ बकरा है। जो मतलब मालवा के शौकीन है या कोटा जैसे लेते हैं बकरे कुर्बानी के लिए, बहुत खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। ये 85 kg पे है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। पांडा नाम है सर इसकी, लेकिन ये कोटा मालवा मिक्स है, लेकिन इसके कान भी काफी लंबे हैं। हाँ इसके कान भाई काफी लंबे और ऐसे बंद में ही आए, बंद कान है। हाँ बट वो जो कान की मोटापा रहता है ना कोटा बकरे में, वो नहीं है इसके अंदर आप देखो। और इनको जैसे फीड वगैरह में क्या देते हैं जो इतना मतलब माशाल्लाह इतना प्रिपेयर हुआ है? कुछ खास फीड देते हैं इसको? नहीं भाई खास फीड तो कुछ नहीं है, नॉर्मल फीड जो हर बकरा खाता है वही ये भी बकरे खाते हैं। इनको चना खिला रहे थे, ऐसे बादाम पिस्ते तो नहीं खिला रहा हूं मैं। चना भी मतलब कैसा है ना, एक लेवल तक खिला रहे थे, उसके बाद जब तैयारी हो गई माशाल्लाह तो अभी ये जव पे चलते, टुकड़ा जव और अखा जव पे चलते, मक्के पे चलते हैं माशाल्लाह, गेहूं पे चलते हैं ये लोग। हरी पत्ती हम लोग डबल फिल्टर यूज करते हैं। और सप्लीमेंट्स कैल्शियम लिवर टॉनिक, और सप्लीमेंट्स मैं बोल रहा हूँ वो अलग सप्लीमेंट्स भी है माशाल्लाह जो इनकी बोन्स और उसके लिए रहते हैं, तो वो सब चलते ही रहता है। इनको एंटी स्ट्रेस बस्टर्स भी हम लोग देते हैं, वो भी आयुर्वेदिक होते हैं, ऐसे नहीं कि इंजेक्ट कर रहे हैं, वो सिरप वाइज ही हम लोग इनको दे रहे हैं, वो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे ही सब दे रहे हैं। तो वैसे ये बकरे की डिटेल्स तो हम लोग ने ले लिए जी, एक सेकेंड ना। वैसे सोबान भाई हम लोग ने बकरों की डिटेल्स वगैरह तो ले लिए जी, अभी इनके प्राइसिंग वगैरह पे आते हैं, तो प्राइसिंग कुछ कोट करना चाहेंगे आप? भाई अभी मैं प्राइसिंग कोट कर देता हूँ, बट प्लीज अगर आपका बजट इससे कम है ना, आई एम रिक्वेस्टिंग पीपल डोंट कॉल मी। ओके, बिकॉज दिस व्हाट आई एम कोटिंग राइट नाउ ना सर, और जो भी है भाई आप जो भी है रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, दिस इज द फाइनल मैं आपको दे सकता हूँ, इससे कम में ये बकरा नहीं है। फिर भी आप इसमें नेगोशिएट होगा जो आप प्राइस शो करेंगे? नहीं भाई इसमें बिल्कुल नेगोशिएट नहीं होगा, बिकॉज मैं इसके अंदर ट्रांसपोर्ट भी फ्री दे रहा हूँ मुंबई तक। अब मतलब उसके 2500-3000 वो भी मैं बंदे के बचा रहा हूँ। ओके, तो उससे कम में तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। अब जो मैं रेट बता रहा हूँ दिस आई एम कोटिंग 45,000 विच इज फाइनल। 45,000 फॉर दिस फाइनल, अगर किसी को चाहिए ठीक है, वरना भाई मैं घर के लिए ले लूंगा ये हिसाब है भाई। 45 से नीचे तो मैं दूंगा ही नहीं, बिकॉज जो चीप ऑफर्स वाले हैं, रिक्वेस्ट यू सर आप लोग प्लीज कॉल मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद में ये वाले बकरे के बारे में, ये देखो अपना ही कान चबा रहा है अभी, तो मुंह में से निकाला। इसका क्या कोट कर रहे हो आप? इसका भाई मैं
50,000 फाइनल कोट कर रहा हूँ, 50,000 उसके फाइनल. नीचे नहीं आएगा बिल्कुल, एक रुपया भी नीचे नहीं, 4999 में भी नहीं आएगा. 85 केजी का बकरा है माशाल्लाह, पूरा कसा हुआ बकरा आप लोग देख सकते हैं. 50,000 कोट कर रहे हैं जी. कोट मतलब फाइनल ऑफर है जी, दिस इज द फाइनल थिंग. अभी अगर आपको ले जाना है ले जाइए, बिकॉज इससे कम में नहीं हो पाएगा. मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका बजट इससे कम है तो प्लीज मुझे कॉल करके इससे कम मत कीजिए. अभी एक इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई थोड़ा बहुत स्लाइटली करता है कम तो कर दो भाई. लोगों का स्लाइटली ना 45 से 30 हो जाता है. नहीं नहीं, अगर स्लाइटली थोड़ा बहुत 2,000 या 3,000 या उसमें, जैसे आपने बोले 45, वैसे ऑफर आते हैं आपको तो आप दोगे बकरा? 45 में अगर थोड़ा कम तो फिर ट्रांसपोर्ट आप देख लो, वही हिसाब हो गया भाई. तो आपको यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, एक ही हिसाब. ओके ठीक है. तो ये है, अगर आप लोग पर्सनली भी आके लेके जाते हो तो आप लेके जा सकते हो. जी आप लेके जाइए, आप लेके जाइए, कोई इश्यूज नहीं. तो सोबान भाई ये वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं माशाल्लाह, दूसरे बकरे देख लेंगे. ठीक है जी भाई जी, ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.